हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 हमें दिया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 15, -2, -3, -2, -11 आर कोलिनियर। यहाँ पे हमें बताना है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले तो समझना है कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर हमारा होता है, जैसे अगर हमने तीन पॉइंट ले लिए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हमने अपनी तरह से लिए है। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि ए बी, बी सी और सी ए, यानी कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, या फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, या फिर सी से ए तक का डिस्टेंस, इनमें से किसी दो का सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी सी ए के इक्वल होना चाहिए, या फिर बी सी प्लस सी ए बी के इक्वल होना चाहिए, या फिर ए बी प्लस सी ए बी सी के इक्वल होना चाहिए। मतलब किसी भी दो का सम, इन दो का या किसी भी दो का सम क्या हो, किसी एक के इक्वल हो। तो यहाँ पे ये मैंने ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे ए बी, तो ए बी हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, अब हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो एक्स टू क्या है यहाँ पे, एक्स टू है यहाँ पे टू, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस एक्स वन है वन इसका स्क्वायर प्लस वाई टू है थ्री, तो थ्री माइनस वाई वन है फाइव, फाइव का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस करेंगे टू में से बन जाएगा, क्या बचेगा वन स्क्वायर, प्लस का साइन आएगा क्योंकि टू बड़ा है, प्लस माइनस माइनस फाइव में से थ्री क्या क्या बचेगा टू, माइनस का टू क्योंकि माइनस फाइव के साथ है, फाइव बड़ा है, स्क्वायर करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आएगा हमारा वन का स्क्वायर वन, माइनस का माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा प्लस फोर, क्योंकि टू टू से फोर और माइनस माइनस प्लस, तो ए बी हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव। ये हमारी ए बी की वैल्यू है, यहाँ पे हम मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। ए बी की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे फाइव, तो ये ए बी की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे हमें क्या देख रहा है, अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। देखो ए बी निकाल गए, बी सी निकालते हैं, बी सी हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वाई वन क्या है, वाई टू क्या है, अब यहाँ पे बी सी का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वन, ये हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू, तो बी सी इज इक्वल टू एक्स टू क्या है, अब यहाँ पे एक्स टू हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस करेंगे एक्स वन क्या है टू, तो टू का स्क्वायर प्लस में वाई टू है हमारा माइनस इलेवन, माइनस करेंगे वाई वन है थ्री इसका भी स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे बी सी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, अब यहाँ पे प्लस आएगा 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है हमारा माइनस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 196, तो बी सी इज इक्वल टू 196 प्लस 16 करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 6 6 12, टू यहाँ पे वन कैरी 9 10 11 1, यहाँ पे हो जाएगा 212 अंडर रूट 212। अब 212 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो 212 फैक्टराइज कर लेती हूँ मैं इसे, यहाँ पे 2 1 2 बन ही जाएगा, ये 10 बचेगा 1 2 6 2 5 10 2 3 अब यहाँ पे ये 53 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से करके देखते हैं, 3 1 3 बचेगा 2 3 से तो नहीं जाएगा, ये 7 से करते हैं एक बार इसे, 7 से जाएगा क्या, 7 से तो नहीं जाएगा, 53 क्या प्राइम नंबर है अपने अपने टेबल से ही जाएगा, तो 53 1 53 2 2 क्या हो जाएगा पेयर में, तो बी सी हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 53, तो बी सी की वैल्यू क्या है 2 2 पेयर से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 53। बी सी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आई है, बी सी की वैल्यू आई है यहाँ पर हमारी 2 अंडर रूट 53। अब हमें क्या चाहिए सी ए की वैल्यू, तो अब हमें सी ए की वैल्यू चाहिए थी, तो सी ए की वैल्यू के लिए अब देखो हम क्या करेंगे, सी ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो सी ए, तो ये हो जाएगा एक्स वन, ये हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगी, सी ए
सी है इज इक्वल टू एक्स टू क्या है, एक्स टू हमारा वन, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है माइनस का टू, तो माइनस का टू का स्क्वायर प्लस में ये देखो प्लस में वाई टू क्या है फाइव, फाइव माइनस करेंगे वाई वन, वाई वन क्या है माइनस इलेवन, तो माइनस इलेवन का स्क्वायर अभी आ जाएगा यहाँ पे सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वन वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस में ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइव प्लस इलेवन का स्क्वायर सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस वन क्या होता है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर प्लस में फाइव प्लस इलेवन क्या होता है सिक्सटीन, तो सिक्सटीन का स्क्वायर सी ए इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन प्लस में सिक्सटीन का स्क्वायर क्या होगा टू फिफ्टी सिक्स, तो प्लस करेंगे सी ए इज इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स प्लस अगर हम नाइन करते तो हमारा वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट फिफ्टीन, यहाँ पे वन के यदि टू फिफ्टी सिक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे, अब टू फिफ्टी सिक्स क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे टू सॉरी टू सिक्सटी फाइव सॉरी टू सिक्सटी फाइव को फैक्टराइज करेंगे तो फाइव से कर लेते हैं फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री से फिफ्टीन, आप देखो फिफ्टी थ्री क्या है प्राइम नंबर तो अपने टेबल से जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ए इज इक्वल टू फाइव अंडर रूट में फिफ्टी थ्री, तो यहाँ पे वैल्यू आई है फाइव मल्टीप्लाई में फिफ्टी थ्री, तो देखो पेयर तो बना नहीं तो इसे हम टू फिफ्टी टू सिक्सटी फाइव ही लिख सकते क्योंकि पेयर बना दो तो हम बाहर ले लेते, तो पेयर बना नहीं तो हम इसे डायरेक्ट टू सिक्सटी फाइव भी लिख सकते हैं, तो सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट टू सिक्सटी फाइव, तो ये आई है हमारी सी ए की वैल्यू। अब देखो जो हमारी ए बी की वैल्यू थी उसे लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ए बी की वैल्यू क्या थी हमारी एक बार चेक करके यहाँ पे दोनों को ए बी और बी सी की वैल्यू भी नोट डाउन कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू थी हमारी अंडर रूट फाइव, बी सी की वैल्यू थी हमारी टू अंडर रूट फिफ्टी थ्री, और सी ए की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है अंडर रूट टू सिक्सटी फाइव। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है किसी भी दो का सम क्या हो किसी एक के इक्वल हो, तो 5 प्लस 2 अंडर रूट 53 करता है तब भी हमारा 265 नहीं आता, इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी अंडर रूट 5 नहीं आता, 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 265 करेंगे तब भी हमारा ये आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस द सम ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू द वन, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ए ए बी बी सी एंड सी ए आर नॉट कोलीनियर, क्योंकि ये क्या है कोलीनियर नहीं है कोलीनियर, ये कोलीनियर क्या है नहीं है कोलीनियर, यहाँ पे ये दोनों नहीं होंगे, ये पॉइंट्स क्या है कोलीनियर नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्लास टेंथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।